हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशाल है। देखो, लास्ट हमने पढ़े थे रैशनल नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फाइव यूजिंग एबलेट प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, या उसको वेरीफाई करना, या लास्ट क्वेश्चन नंबर फाइव बढ़ा था नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम पढ़ो। अब देखो, अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स में स्टडी करेंगे मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन थर्टीन बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन बाई सिक्सटीन। इसमें लिखा मल्टीप्लाई करवाना, लेकिन मल्टीप्लाई से इसमें कंडीशन लिखी कि रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन बाय सिक्सटीन। और हमें मल्टीप्लाई करने से पहले इस नंबर का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो देखो, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन बाय सिक्सटीन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाए या रेसिप्रोकल लिखा हो तो अपने उस नंबर को क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे, लेकिन साइन एज इट इज रहेगा। अगर माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन है कितना हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन बाई सेवन। अब इसमें लिखा मल्टीप्लाई का सिक्स बाई थर्टीन बाई का माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे सिक्स अपॉन थर्टीन मल्टीप्लाई माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन। देखो, सेवन प्राइम नंबर है, थर्टीन प्राइम नंबर है, ये नंबर ना तो सेवन से सिक्सटीन कट हो रहा है ना थर्टीन से सिक्सटीन का नंबर कट हो रहा है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई मत करना, आपका आंसर वही रॉन्ग हो जाएगा। 66 जा 96 और 37 जा 91। साइन कितना है, यहां प्लस और यहां माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 96 अपॉन 91। तो क्वेश्चन लिखा था मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाय 16। तो सीधा हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हमें उस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस 96 अपॉन 91। अब हमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, लिखा है टेल द व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, ये मैंने आपको लास्ट बताई थी। देखो, अब फिर बता रहा हूं, ए मल्टीप्लाई देखो 1/3 1/3 आ सिक्स सिक्स यहाँ लिखा है 4/3 4/3। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी बड़ी जिसमें ए और बी दो ही नाम आ रहे थे, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेकंड हमने देखी थी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और एक कॉमुटेटिव। देखो, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी होती तो उसमें दो ही नंबर लिखे होते, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। लेकिन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू किसके होता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। जब दो नंबर की बात होती है, सिक्स मल्टीप्लाई फोर बाई थ्री और फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, अगर दो नंबर में होता है वेरिएबल, अगर दो होता है ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, तो अपने बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ देखो, ए बी एंड सी तीनों अप्लाई हो रहा है, तो कौन सी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 अपॉन 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1/8। क्या 8 अपॉन में 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस 1/8 का, तो अपने को पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, इफ नंबर एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, इज वन। अगर नंबर है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, वन। प्रोडक्ट आर वन, तो ये क्या हो जाएगा, देन इट इज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। इसको अपने बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और अगर ये जो नंबर है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अगर इनका प्रोडक्ट वन आता है तब तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो देखो कितना लिखा है, 8/9। यहाँ जो वैल्यू दे रखी है हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, -1/8। देखो, -1 और 1/8 को कैसे सॉल्व करना, 8 मल्टीप्लाई 1 8 8 प्लस 1 9 9 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, -9 अपॉन 8 -9 अपॉन 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपने -9 अपॉन 8, 8 वन जा 8 8 वन जा 8।
9 1 9 9 1 9 कितना आंसर आया -1। हमने कंडीशन लिखी कि नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए यार 1। अगर इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा तब तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -1 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इनका प्रोडक्ट अगर +1 में आता देखो +1 आए तभी अपने बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एज इट इज यहां लिखा है 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो ये क्यों नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फिर से सॉल्यूशन में हमें क्या लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल नंबर एंड रेसिप्रोकल नंबर कितना आना चाहिए इज 1, देन इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें और इनका आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए तब तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है 0.3 मल्टीप्लाई 3 1/3। देखो 3 1/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 1/3 3 3 9 और +1/3 कितना हो जाएगा 10/3। तो 0.3 मल्टीप्लाई 10/3 यहाँ नंबर दे रखा है हमें डेसिमल है, जो डेसिमल में से पॉइंट रिमूव करते हैं पॉइंट कितना आएगा 10 10 बन जा 10 10 बन जा 10 3 बन जा 3 3 बन जा 3 देखो 1 बन जा 1 1 बन जा 1 आंसर कितना आ रहा है 1। और हमने कंडीशन में क्या लिखा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल नंबर इज 1 देन इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर जो नंबर है और रेसिप्रोकल नंबर इनका प्रोडक्ट कितना आ जाए मल्टीप्लाई कितना आ जाए 1 तब तक ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अपने क्या लिखेंगे 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो इस स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन फर्स्ट से बात बताई थी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में था मल्टीप्लाई करना बाय द रेसिप्रोकल, तो हमने पहले रेसिप्रोकल किया उसके बाद हमने मल्टीप्लाई की। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था कि हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है, इसमें लिखा a मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। अगर है तो क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो हमने लिखा कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर प्रोडक्ट 1 आता है तब तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ साइन आया तो -1, देखो अगर +1 आता है तभी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यहाँ साइन आया -1 तो -1 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर वही आया लिखा था 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट, अगर है तो क्यों अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल नंबर इज 1 देन इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0.3 की मल्टीप्लाई किया हमने 3 1/3 3 3 9 9 1 10 10/3 मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आएगा देखो 1, तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच।